नमस्कार, एग्री कमोडिटी मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज 8 जून, एग्री मार्केट में अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें या शुक्रवार के सेशन की पहले बात करते हैं, तो शुक्रवार के सेशन में एग्रीडेक्स इंडेक्स में हमने एक बाइंग आते हुए देखी है, करीबन 0.25% की तेजी, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है पूरे एग्री पैक्ट में हमने अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी। जहां हमने सोयाबीन के प्राइजेस में 1% की तेजी आते हुए देखी, रिफाइंड सोया में भी 0.5% की तेजी आते हुए देखी, मस्टर्ड में 1.5% की तेजी आते हुए देखी, कैस्टर में 0.25% की तेजी थी, मसालों में भी हमने एकाएक बड़ी तेजी आते हुए देखी, जिसमें हल्दी 3% के ऊपर, धनिया 3% के ऊपर, जीरे में 0.5% की तेजी आते हुए दिखाई दी। चना थोड़ा सुस्त है काफी टाइम से, बट अगर 4200 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो हम इसमें भी एक अच्छी तेजी देख पाएंगे। कॉटन कॉम्प्लेक्स में भी हमने काफी बड़ी तेजी आते हुए देखी और धीरे धीरे गवार गम भी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल हमने मार्केट शुक्रवार के सेशन में पॉजिटिव आते देखा। अगर यही चीज अगर हम वीकली बेस की अगर बात करें तो वीकली में भी हमने मार्केट में एक अच्छा खासा मूव देखा, जहां पे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में सोयाबीन 3-3.5% की तेजी, मस्टर्ड में 4.5% की तेजी, कैस्टर में करीबन 2.5% से ऊपर की तेजी, सीपीओ में हमने एक मिला जुला ट्रेड आते हुए देखा। अर्ली ड्यूरिंग द वीक हमने 670 का लेवल छूते हुए देखा, उसके बाद मार्केट में फिर से गिरावट चालू हो चुकी है, जो 1% की गिरावट के साथ फ्रेश सेलिंग दिखा रहा है। रिफाइंड सोया ऑयल 3% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं मसालों में भी मिला जुला असर था, जिसमें हमने हल्दी और जीरा दोनों में पॉजिटिव मूव आते हुए देखा, धनिया में भी करीबन हमने 0.25% की तेजी देखी। बट गेम चेंजर जिसमें दिखाई दे रहा है वो गवारशीप गवारगम है, खास करके गवारशीप गवारगम के रेशियो की बात करें, इसमें एक बड़ा बाइंग ट्रिगर दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है आने वाले दिनों में गवारगम में एक अच्छी खासी तेजी रहेगी। नो डाउट उसको सपोर्ट करने के लिए गवारशीप भी तेज दिखा रहा है। कॉटन कॉम्प्लेक्स में भी हमने कॉटन में 5.5% की तेजी, और सबसे बढ़िया हमने कॉटन सीड ऑयल केक में, जिस ढंग से हमने बताया कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना है कॉटन सीड ऑयल केक में, जिसके चलते हमें लगता है ये तेजी कायम रहेगी, जो ऊपर में 2350 तक का भी लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में दिखा सकती है। चने में भी हमें लगता है मार्केट थोड़ा सुस्त जरूर हुआ है, बट 4200 से 4220 का लेवल अगर ब्रिज कर जाता है तो हम एक अच्छी खासी तेजी देख पाएंगे। आज के सेशन की बात करें काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानसून की दस्तक आ चुकी है। स्ट्रक्चर वाइज हमें लगता है कि सोयाबीन में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट देखने मिल जाएगा, जबकि मसालों में तेजी कंटिन्यू रहेगी। चने में ये ध्यान रखना चाहिए, चने में अगर 4220 के ऊपर जाता है तो 4250-60 तक के भी लेवल देख पाएंगे। कॉटन सीड ऑयल केक में थोड़ी भी गिरावट में हमें लेके चलना है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, जो 2280 से 2300 तक का लेवल दिखा सकता है। गवारशीप गवारगम में भी गवारगम मुझे लगता है कि काफी अच्छी तेजी के साथ ट्रेड होगी, जो 5600 का लेवल तोड़कर 5850 तक का लेवल दिखा सकती है, जबकि गवार सीड थोड़ा सा वेट एंड वॉच है, 3650 के टारगेट के लिए फिर भी लिया जा सकता है। धन्यवाद।